अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। गर्मी में बस मिंट, मार्गरेटा, दूध सोडा और इस तरह की चीज़ें ही आपको जो है वो रिलैक्स रख सकती हैं। और मेहमानों का आना जाना तो लगा रहेगा। मटन पुलाव बन रहा है ख़ास मेहमानों की फरमाइश पर, और साथ में रायता बनाया गया है, साथ में अचार होगा, साथ में कोक होगी, साथ में दाल का सालन होगा। ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और सर्विंग के लिए थोड़ा वेट किया जाएगा। फाइनली यहाँ पर हमारे मेहमान जो है वो आ चुके थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तो हमने सोचा कि ना पहले थोड़ी देर उनके साथ जो है गपशप लगाई जाए। तो देन उसके बाद दस्तखान लगा लिया। टेबल पे बैठ के खाने के हालात नहीं है क्योंकि एसी के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, तो कमरे के अंदर ही दस्तखान लगाना पड़ा मजबूरन। और सारा सामान रखने के बाद मीठा तो लाजमी है, तो ये हमारे सिटी में एक बिलाल स्वीट ओपन हुई है, वहाँ के रसगुल्ले मंगवाए थे, बहुत मज़े के थे, बहुत डिलीशियस थे। और इस ईद पर ईदी मिलती नहीं है लेकिन मुझे मिल गई। फाइनली बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। मौसम भी बहुत करख्त सख्त सा था और आइसक्रीम खाने वाला तो था ही, तो हम आइसक्रीम बार चले गए, वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। वापसी पे सिट्टे वाला नज़र आ गया, तो बच्चे कहते हमने सिट्टे खाने हैं, तो फिर वहाँ पे उसको रोका, किसी ने चने लेने थे, किसी ने दाने लेने थे, किसी ने सिट्टे लेने थे, तो वहाँ पर उसको रोका कि चलो हमें ये भून के दो। तो शाम वैसे काफ़ी हो चुकी हुई थी, इन्होंने वापस भी जाना था मेहमानों ने, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं किसी चीज़ की तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने सिट्टे लिए और दाने और सब चीज़ें ली। उसके बाद मेहमानों ने अपनी राह ली क्योंकि शाम हो रही थी, उन्होंने वापस जाना, हम भी थक चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।